योगी जी की सरकार का भाषा विज्ञापन को देखने के बाद कलकत्ता के लोग हैरान हो गए कि हमारा फ्लाईओवर रातों रात कहाँ गायब हो गया, तस्वीर तो कहाँ की है, छपी कहाँ की है। इधर बेचारे अमेरिका के फैक्ट्री वाले हैरान हो गए कि हमारी फैक्ट्री कहाँ छाप दी। वैसे आप लोग हैरान मत होइए, जो सर आपको बता दें कि अंग्रेजी अखबार में 12 सितंबर को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के विज्ञापन में दिखाई गई 3 प्रमुख तस्वीरों में से एक तस्वीर कोलकाता के फ्लाईओवर की बताई जा रही है, जिस वजह से साफ विवाद हो गया। तृणमूल कांग्रेस ने इस विज्ञापन को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है, तो वहीं भाजपा सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक और एक्सप्रेसवे बनवाती है, वहीं पश्चिमी बंगाल की ममता एनर्जी शासन में फ्लाईओवर धराशाही हो जाता है। फिलहाल बस आप आगे सुनिए। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव ने लिखा कि अभी तक तो सपा की सरकार के कामों को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार बता बता के झूठा प्रचार कर रही थी, अब तो झूठ की हद हो गई जब वो कोलकाता की तस्वीर को अपने विकास की तस्वीर बता रही है। भाजपा को झूठे प्रचार की ट्रेनिंग का अंतरराष्ट्रीय संस्थान खोल लेना चाहिए। आगे बस अब संजय जो कि बाकायदा आम आदमी पार्टी के हैं, वो भी कैसे पीछे हट जाते। लिखा है कि विकास ऐसा ना तो हमने देखा ना तो सुना होगा, और बाकायदा कलकत्ता का फ्लाईओवर खींचकर लखनऊ लाए हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी, भले ही विज्ञापन में लाए तो सही, अब हम कहा बोले, बस अब खुद देख लो। सोशल मीडिया पर इतना तंज कसा जा रहा है, इतना वायरल हो रहा है कि बस अब कहा बोले, अब बीजेपी सरकार इतना झूठ बोलती, कुछ ऐसा इन लोगों का कहना है। हम नहीं बोलेंगे पापा, सब खूब वायरल हो रही है तस्वीर। पर फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए एवरेस्ट फूड की बैरल रिपोर्ट, कम से कम बस अब ये पीली टैक्सी हटा दिए होते तो कुछ दिखता तो।